हर्षद ठोंबरे बॉलिंग मार पर पहला मेंटेन पावर प्ले गली एक फैसली पॉइंट शॉट कवर और शॉट एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड। पहली बॉल कट करने गए थे लेकिन गेंद स्टंप के ऊपर चली गई है। बहुत ही तेज रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंका था जसप्रीत बुमराह की याद दिलाई या हर्षद ठोंबरे ने। पहली गेंद डॉट, दूसरी बॉल सर्कल के बाहर उनका रनअप है। एक बार यहां से जोरदार अपील की थी लेकिन कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर। और इस बीच दूसरी गेंद डॉट चली गई, इस बार यहां आउटसाइड ऑप्टम रखी गई और शरीर से दूर रखने के बाद बल्लेबाज का खेलने का जो मंसूबा था वो गेंद और बल्ले के ऊपर गेंद लगी नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। तीसरी बॉल ठोंबरे की, ओ क्या घातक गेंदबाजी चल रही है, सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी। दो गेंदें अंदर आई और एक गेंद बाहर चली गई। ये गेंदबाजी की वेरिएशन, ये गेंदबाजी की ताकत, ये गेंदबाजी का डिसिप्लिन, सुंदर गेंदबाजी। अगली बॉल, इस बार यहां उछाल भरी है गेंद, वाइड घोषित किया अंपायर ने और अतिरिक्त रनों के साथ खाता ओपन हो चुका है। ज्यादा इस बार देखा है बाउंस आ गई है और अंपायर इस बार सूचित भी कर रहे गेंदबाज, सूचना दे रहे ठोंबरे को। ड्राइव एक बार फिर से, इस बार गैप में गेंद चली गई है, एक रन चुराया दूसरे के लिए पलटने जा रहा है इसी के साथ ये। ओ क्या है यार, इस बार देखा जाए परफेक्ट रॉकेट थ्रो आया और इसी के साथ बल्लेबाज में चला गया, तकदीर बाहर जा रहा है ये डायरेक्ट थ्रो। और क्या है गेंदबाज, जो फील्डर है वो बचपन में बहुत कंचे खेला हुआ है। इस गाने के ऊपर हमारे सतीश कटेकर साहब मंगलबाड़ा के, इनका बेटा बहुत भारी बोलता है साई उसका नाम। टीम का स्कोर है 2-1 विकेट नुकसान पे, भानदास मात्रे वन डाउन बैट्समैन मैदान के अंदर बाहर के बल्लेबाज। हर्षद ठोंबरे की मेरे हिसाब से 4 गेंदें खत्म हो गई, 2 गेंदों का खेल शेष है, 3 ओवर का मुकाबला है, आज के दिन का सुपर 4 का अंतिम मुकाबला। कौन भातानपाड़ा और भातान, कौन आणि भातानपाड़ा, दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल पहिली सेमीफायनलची मॅच आपण टॉस साठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। भानदास संदेश गोंधळी स्ट्राइक पर वो दंडा अस्त व्यस्त फर्नीचर डिस्टर्ब। इस बार यहां देखा जाए तकदीर के पास सुहास गोंधळी भी वापस जा रहे, संदेश गोंधळी और टीम का स्कोर 2-2 विकेट के नुकसान पे। अरे ये गोट क्या गेंदबाजी की शोभा बढ़ चुकी है और अंतिम बॉल शेष इस ओवर की, नए बल्लेबाज शुभम पाटिल। संदेश गोंधळी बाहर, ठोंबरे की अंतिम बॉल ऑन साइड के ऊपर, इस बार देखा हवा में जरूर गेंद है, फील्डर मौजूद नहीं है कोई वहां और ये गेंद चली गई। अंतिम बॉल थी फर्स्ट ओवर की और आखिरी गेंद के ऊपर शानदार चौवा ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के ऊपर, 4 के बदौलत स्कोर आगे बढ़ता है मोहम्मद डोंगरी का, 6 लॉस ऑफ 2 विकेट।
अंश 11 जुदानी बामन नंगरी टीम का स्कोर है 6 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। भंदास मात्रे पहली दफा गेंद को खेलेंगे लेकिन खोनी के सेकंड बॉलर आए हैं हेमंत ठोंबरे। भानुदास ने जोरदार हिट कर दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई। एक तो सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 7 के घर में। भानुदास ने अपना खाता ओपन कर दिया है खोनी के खिलाफ। कम से कम मुझे लगता है 40 के ऊपर तो स्कोर चाहिए बावन डोंगरी टीम का। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। और एक बार फिर से हवा में लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन गेंद को उठाने के लिए गली फील्डर जा रही। जब तक एक सिंगल के साथ या शुभम पाटिल पहुंच चुके 5 पे, भानुदास खेल रहे 1 पे, अयांश 11 जुदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर पहुंचा है 8। 8 2 विकेट के नुकसान पे। तीसरी बॉल हेमंत की और भानुदास का शॉट फंस गया है। ए क्या हुआ ए इधर मारो। खोनी वाले क्या कर रहे, बॉलर को लगा मैं कैच लपकाऊंगा, विकेट कीपर को लगा बॉलर पकड़ेगा और उसके बाद दोनों के बीच तालमेल नहीं हुआ और उसके बाद इस कैच पकड़ने में दोनों कामयाब नहीं बन चुके। भानुदास को जीवनदान मिला। भानुदास ने आशा छोड़ी थी लेकिन उसके बाद एक सिंगल के साथ भानुदास 2 पे पहुंचा है और अयांश 11 जुदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर 9। हेमंत शुभम के लिए कोई जानबूझकर नहीं छोड़ता लेकिन कैच हैज बीन द मैच क्रिकेट में कहते हैं पकड़ो कैच। कैच को लपकना चाहिए, विकेट कीपर एक एक टीम का आईना हो जाता है और ऐसे रात में आपने एक लॉलीपॉप छोड़ दिया छोटा आसरा है 9 स्कोर। और इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर वाइड घोषित किया अंपायर ने और अतिरिक्त रनों के साथ अयांश 11 जुदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर 10। 2 विकेट के नुकसान पे। शुभम पाड़ी स्ट्राइक के ऊपर हेमंत ठोंबरे की शोर की अभी तक 2 बॉल शेष है। ओ, बहुत ही अवतार से गेंद को फेंका था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। ब्रॉड की समाप्ति, दूसरे ओवर की अंतिम बॉल शेष है। स्कोर बनना चाहिए बामन डोंगरी टीम का, छोर बदल के अब हमला करना ही चाहिए लेकिन गेंदबाजी तो इस बार देखा जाए खोनी की अच्छी चल रही है। अंतिम बॉल शेष और इसी के साथ डॉट शुभम पाटिल को इस बार चकमा दिया है। ओ कृपया सेगोटी गोली लावली तेरा विनंती असेल सेगोटी भिजवून घ्या। समोर डोंगर आहे नको त्या पराक्रम करू नका कारण काय माहिती आहे काय आजपर्यंत जगामध्ये आग लावण्याची किंमत मात्र तेवढीच आहे। धन्यवाद। स्कोर 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बन चुके हैं 10। लॉस ऑफ 2 विकेट। अयांश 11 जुदानी बामन डोंगरी टीम का स्कोर और आखिरी ओवर शेष। पारी का स्लॉग ओवर, डेथ ओवर, हनामारी का ओवर फेंकने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे इस गेंदबाज को। सुपर 4 का मुकाबला है, जो जीतेगी उस टीम को एक बख्शीस 100% मिलने वाली है लेकिन जो हारेगी उपसभापति ट्रॉफी 2023 को पूर्ण विराम देके अपने घर के अंदर जाके अजय उटेकर उटेकर की और इस बार भानुदास ने उड़ाया और ये फ्लैट 6 रन।
आज के इस रजनी की फर्स्ट सेमीफाइनल दोनों कप्तान टॉस करने के लिए आई है। उतेकर की अगली बार भानुदास के लिए, और इस बार याद देखिए भानुदास ने गेंद को छोड़ा जरूर, लेकिन गेंद इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप थी। तेज रफ्तार के साथ गेंद को इस बार देखा ऑफ स्टंप के बाहर फेंक दिया था उतेकर ने। कोई रन नहीं है, चार गेंदे शेष, स्कोर 16। और एक बार फिर से ड्राइव देखने को मिल चुका है, सामने स्ट्रोक, लेकिन रन आउट का मौका या आउट, और एक ही रन और एक रन के साथ स्कोर पहुंचे 17। और मुझे लग रहा है शुभम पाटिल वापस जा रहे हैं ड्रेसिंग रूम में। सामने क्रिकेट के रंग ले वो भारता में ग्राउंड वर, सामने क्रिकेट के रंग ले वो रौनक क्रीड़ा मैदान वर, सामने क्रिकेट के रंग ले। संदेश पाटिल ने बल्लेबाज, तीन बॉल शेष, उतेकर की अगली बॉल, और एक बार फिर से इस बार गली, और ये क्या ड्रॉप रन आउट का यह मौका, ओ खूनी वाले के हाथों में मक्खन ज्यादा है। और इस बीच यह एक सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 18। अंतिम दो बॉल शेष, संदेश पाटिल स्ट्राइक के ऊपर, दो गेंदे शेष, अच्छे गेंदबाजी करने के तैयार है। और इस बार देखिए क्या बॉल सही टप्पा, सही लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी चल रही है, और अंतिम बॉल शेष अजय जी, आखिरी बॉल इस आखिरी ओवर की। बैकर मामा देखिए उम्र बढ़ चुकी है, फिर भी क्रिकेट के ऊपर ये प्यार है, क्योंकि भातान गांव की टूर्नामेंट है। और इस बार देखिए बैकर मामा, बल्लेबाज को मामा ही बना दिया, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और तीन ओवर के समाप्ति का आप देख सकते हैं। तो इस बीच स्कोर हो चुका है आयांश रेवन्ना जुदानी बामन नगरी टीम का स्कोर 18, और जीतने के लिए खोनी टीम को चाहिए 19 रन। आज के रजनी की फर्स्ट सेमीफाइनल मैच है कौन बनामा भादन बाड़ा के बीच, दोनों कप्तान टॉस करने के लिए आइए। उन्नीस रनों की जरूरत है आज के इस उपसभापति ट्रॉफी का फर्स्ट सेमीफाइनल का मुकाबला भातानपाड़ा बनाम कोन के बीच। तो कोन टीम ने टॉस जीता है, दो बजकर 15 मिनट घड़ी के अंदर, कम से कम लगता है चार तो या बजेंगे जरूर, ज्यादा बजेगा,
तो 5 बजे बैकर मामा मुर्गा बांग देगा कुकड़ को और चाय मंगाओ। चाय से कोई अगर लपेटा विपेटा मंगा तो अच्छा होता, लेकिन अच्छी बात है, अच्छा प्रेम मिला। यहाँ सभी हमारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद है, हंसी मजाक तो चाहिए, और जब तक जीवन है तब तक प्रेम में रही है, उसके बाद भाई के दादा प्रेम में रहना सबको। साल में एक ही बार लोग इंतजार करेंगे और बोलेंगे आदमी अच्छा था, और टाइम जब निकल जाता है, जब तक ये शरीर के अंदर सांस है तब तक इस शरीर को कीमत है। सांस खत्म होने के साथ माँ बीवी बच्चे सब छूट जाते और अपने आदमी पूछते और कितना टाइम जाएगा। करण ठोमरे और विकी ठोमरे, ये सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर आ चुकी, लेकिन बॉलिंग मार पर ओमकार नाइक मूछे वाले गेंदबाज कड़क मूछे, फेंको ऐसा ओवर और दिखाओ अपना ऐसा तमाशा कि हो जाए बल्ले बल्ले, स्कोर तो टारगेट नहीं। धन्यवाद इस कमेंट्री डिपार्टमेंट के लिए, हमारे 100 रुपए का इनाम आया है। भयकर मामा आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलते मैदान के अंदर, नाई गेंदबाजी करेंगे, फैसली गली पॉइंट, और इसी बीच शॉट कवर ऑफ साइड, ऑन साइड कवर शॉट, फाइन लेग शॉट स्कोर लेकर मिडन मिडन में भंदा से तो खिलाड़ी गज के बाहर। पहली गेंद पकड़ो, छोड़ो मत, लॉलीपॉप छोड़ दिया। देखिए ये जीत खोत, निखिल खोत ने गलती की। मैं आज भी कहता हूं, 4 रन पे जब तिसारा परेरा ने रोहित शर्मा को जीवन दान दिया, 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। तिसारा परेरा मुझे श्रीलंका से 2 बार फोन किया था कि मैं आज भी भुगत रहा हूं। जीवन दान मिला है बल्लेबाज यहां करण ठोंबरे को, विकी ठोंबरे स्ट्राइक के ऊपर, स्कोर 1। ओमकार नाइक की अगली बॉल, इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, तेज रफ्तार के साथ गेंद को फेंका था, तेजी के साथ स्पीड के साथ ये इस बार देखा जाए गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे, प्रेशर ये इस बार देखा जाए यहां जो बामन नगरी टीम के आरंभिक गेंदबाज प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। प्रेशर और एक बार फिर से यहां भानुदास गेंद को उठाने जा रहे, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ खोनी के दोनों आरंभिक बल्लेबाजों ने अब अपना खाता ओपन किया, टीम का स्कोर 2 के घर में। विकी ठोंबरे ने खाता ओपन किया है, ओमकार नाइक की 3 गेंदें खत्म हो गई है। चौथी बॉल नाइक की, इस बार याद देगी आउटसाइड ऑफ स्टंप, शरीर से दूर गेंदें रख रहा है और बल्लेबाज खड़े खड़े खेलने का प्रयास कर रहा है और गेंद बल्ले के ऊपर आ नहीं रही। आपको किस्सा बताता हूं क्या है, लेकिन टीम का स्कोर 2 के घर में। दो स्कोर, वो बहुत ही बढ़िया डिलीवरी, इस बार गुड लेंथ के ऊपर बॉल थी और शानदार डिलीवरी ओमकार नाइक की चल रही है। और अंतिम बॉल शेष इस ओवर की, मैंने शुरू में कह दिया गेंदबाज घातक गेंदबाज है, कातिलाना प्रदर्शन कर रहे ओमकार नाइक। अंतिम बॉल शेष, स्कोर है खोनी का 2। ए शेगोड़ी बंद करो, वो शॉर्ट फाइनल एक खिलाड़ी दायरे के अंदर, 1 सिंगल जरूर मिलेगा। कृपया जनी शेगोटी पेटल देना विनंती असेल, शेगोटी बंद करा मित्रांनो, कुठेतरी दूर येईल आणि प्रॉब्लेम होईल, आणि थंडी एवढी नाही, तुम्ही आमचे मित्र आहात, सहकार्य करा बस। हा थंडी के लिए आपको बंडी चाहिए तो आओ इधर। पहला ओवर खत्म हो चुका, रन मंच के 3 बगैर नुकसान पे खोनी टीम का स्कोर
आने वाले 12 गेंदे शेष और जीतने के लिए मेरे हिसाब से यह रन चाहिए 16। बोल रहा है आदित्य पाटिल, एक रन पे विकी टोमरे खेल रहे और किरण टोमरे दो पे खेल रहे, करण टोमरे माफ कीजिए। आदित्य पाटिल और ये उड़ाया इस बार गलती, इस बार देखिए क्या बॉलर करेगा। तुम अगर ये गलती करेंगे तो बॉलर का हौसला लूज हो जाता है। आसान कैच थी और इस बीच एक सिंगल और स्कोर 4 के घर में, 11 गेंदे 15 रन। ये दूसरा मैडम फास्टर गेंदबाज, इस बार ड्राइव। देश मात्री ने गेंद को फील्ड किया, बढ़िया फील्डिंग का मुजारा पेश। एक सिंगल 100% मरेगे मिलेगी, लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर 5 के घर में। जीतने के लिए 10 बॉल शेष है, 14 रन चाहिए। और बड़ा शॉट, शॉट पड़ने को चीती हुई डीप पड़ने की सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। थोड़े से मूव हुए 1983 के विश्व कप में बॉब विलिस को ऐसा ही शानदार छक्का लगा दिया था यशपाल शर्मा साहब, यशपाल शर्मा जी ने। तब उन्होंने ऐसा मुंह होके मारने के बाद महेंद्र अमरनाथ जी ने कह दिया था कि तुम रिस्क क्यों ले रहे हैं, तो यशपाल शर्मा जी ने कह दिया था कि लॉर्ड्स बेंचर से मुझे उन्होंने गालियां दी थी। और बहुत ही बढ़िया बॉल, सुंदर तेज गति के साथ मिश्रण चल रहा है गेंदबाजी में। बाउंड्री खाने के बाद इस बार परिवर्तन वाली गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, 9 रन और जीतने के लिए 8 गेंदे 10 रन। ए पैर नीचे कर, बादशाह नहीं तू। शॉट अच्छा है, एक बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, एक सिंगल मिलेगा, दूसरे के लिए पलट जा रहे, इसी के साथ ही दूसरा रन पूरा हो गया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 11। 7 बॉल और जीतने के लिए 8 रन। ये बॉल कैसी होगी आदित्य पाटिल की। इस बीच विकी ठोमरे खेल रहे 3 पे और एक सिंगल मिलेगा जरूर। गली के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, रन आउट का मौका लगभग देखा जाए यहां, और यहां रन नहीं है क्योंकि रन लेने के लिए दोनों बल्लेबाजों को स्ट्राइक छोड़ना पड़ेगा, नया कानून आ चुका है। और एक ही सिंगल, और एक सिंगल के साथ खोनी टीम का स्कोर है 12। आखिरी 6 गेंदे शेष और जीतने के लिए 7 रन चाहिए। छह गेंद में आपने देखा होगा कि तुर्बे के खिलाफ बार क्या कामले ने कैसी गेंदबाजी की थी और वो मैच तुर्बे टीम को परास्त होना पड़ा। उसके बाद
कामों ने हारी हुई, लेकिन बाहर के कामले ने जो परफॉर्मेंस दिखाया वो जबरदस्त। आने वाले छह गेंद सात रन बॉलर भानदास मात्रे तारनहार आ चुके हैं। तेजस मात्रे साहब जी ने उन्हें इस्तेमाल किया है और उनसे कुछ गुप्तगू कर रहे कि बॉल कैसी डालनी है, कैसी फील्डिंग लगानी है। किरण ठोमरे व्यक्तिगत मेरे हिसाब से याद देखा जाए तो करण ठोमरे व्यक्तिगत याद देखा जाए तो खेल रहे। दस पे खेल रहे भानदास मात्रे गेंदबाजी करेंगे। और इस बार अपील की है लेकिन यार रन आउट का मौका। लेकिन एक ही सिंगल मिलेगी। लेकिन भाई टांग ऊपर करो और एक सिंगल के साथ हमारे दीपक पाटिल सर कैसी टांग ऊपर करते फटाक से। और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 13 पांच बॉल 6 रन 5-6 गली फैसली पॉइंट और एक शॉट फ्रंट लेग दायरे के अंदर। इस बार शॉट अच्छा है लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई एक इसी के साथ ये दो और दो के साथ खोनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 15-4 बॉल 4 रन। भानदास इस मैच को निकालेंगे या खोनी के बल्लेबाज इस मैच को जिताएंगे। विकी ठोमरे स्ट्राइक के ऊपर 4 पे खेल रही एक सिंगल क्या दूसरा होगा इसी बीच फील्डिंग खराब चल रही है दो और दो ही रन मिल चुके और दो रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। खोनी टीम का स्कोर पहुंचा है 17-3 बॉल जीतने के लिए दो रन। मिनमाल की चाशेती पोरण गाणी समजलं बरोबर। देखिए गाना कैसा था मात्रे साहब, ये छोटे छोटे बच्चे गाने के ऊपर हंस रहे। अरे क्या बुद्धि है आजकल लोग। मामा भी हमारे हंस रहे गाने के भयकर। मामा गाने के अंदर जाने आखिरी 3 बॉल दो बहुत बढ़िया बॉल भानदास की जड़ में फेंकी हुई गेंद और इसी बीच कोई रन नहीं दो बॉल दो रन। भानदास तारनहार है बावन डोंगरी टीम के लिए दो बॉल दो। हर्षद टोमरे ओ अरे क्या बाबे गेंदबाजी कर रहा है यार भानदास बढ़िया गेंदबाजी। अरे फुकट नहीं हमारे जीते की लड़की हमने दी इसको। क्या बॉल है और बार क्या कामले के बाद देखिए भानदास मात्रे कारनामा कर रहा है। अंतिम बॉल जीतने के लिए दो रन। एक बॉल और जीतने के लिए दो और ये उड़ाया लेकिन कैच के संभावना नहीं और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन।